Hello students, welcome back to our YouTube channel. So, MHCET Law 3 years allotment list for round 2 has been published. So now there are certain questions students ke mind mein. Ki sir, humko jo college abhi mila hai round 2 mein, either there are two possibilities in this particular thing. Round 2 mein aapko first round wala college re-allot hua hai, ya fir round 2 mein completely ek naya college mila hai. ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. और थर्ड वो लोग जो उन लोगों को राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था एंड राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है. ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. ओके, अगर आपने एक बात नोट की हो तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट में जाके राउंड 2 का जब चेक करते हो, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कट ऑफ ज्यादा इतना वेरी नहीं हुआ है. यानी कि ओवरऑल जो मार्क्स थे, मतलब एक्सपेक्टेड कि इतना कट ऑफ नीचे जाएगा, नॉर्मल नॉमिनल सा मार्क्स से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी जो कॉलेजेस है जैसे जीएलसी, उसमें तो ऑलमोस्ट सेम मार्क्स पे ही क्लोज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है. सो मेरा पॉइंट अल्टीमेटली आपको समझाने का वही है कि कट ऑफ जो है राउंड 2 का, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-4 मार्क डाउन जाएगा एंड ऑल, वो नहीं होता है. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बेटरमेंट देन थिंक ट्वाइस बिफोर चूजिंग इट बिफोर, लाइक आपको ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन मिला है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है. यू हैव टू थिंक वाइजली. सो नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहला पॉसिबिलिटी कि आपको कॉलेज मिला है राउंड 1 वाला री अलॉट हुआ है. ठीक है, तो अभी पहली बात तो फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा. मतलब आपके लॉगिन में जब आप लॉगिन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देगा. तो फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको वो कंपलसरी फ्रीज करने को ही बोलेगा. अगर आपने वन टाइम 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है तो वापस से पे नहीं करना है, एक ही बार पे करना था, वो बराबर हो चुका है आपका. बट अभी आपको फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा. इधर यू फ्रीज इट और सेकेंड ऑप्शन इज यू लेट गो दैट कॉलेज. लेट गो यानी कि जो भी कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो एंड यू लेट गो दैट कॉलेज. आप कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए ना जाओ. ठीक है, सो दैट विल बी डीम्ड एज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या करें, मुझे राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है बट राउंड 3 में आई थिंक इसका कट ऑफ इतना जाएगा. सी राउंड 3 का आप अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इन लोगों के नए नोटिस के अंदर ही बताया हुआ है कि सीट विल बी वेरी लिमिटेड. आप लोग नीचे लास्ट पॉइंट भी देखोगे इसका, तो इन लोगों ने क्लियरली ये दो पॉइंट्स में बताया है दैट पॉसिबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस. ठीक है, तो आपको जुडिशियसली डिसीजन लेना है ओवरऑल. ओके, एंड आप नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो दैट टोटल एडमिटेड कैंडिडेट्स आर 6350. टोटल अभी तक इतने लोगों का एडमिशन हो चुका है. ओके, एंड अभी आपको उतना समझना है कि अभी 19,000 सीट्स भले ही बाकी हो, आई मीन टोटल 19,000 जितना इनटेक है. ओके, बट ये सारी चीजें राउंड 2 जब तक खत्म होगा तब तक ये सारी बोल सकते हैं कि हम 50% या फिर 60% सीट्स विल बी फुल. तो आपको क्या ध्यान देना है इस चीज में कि अगर आप राउंड 3 का सोच रहे हो, मतलब आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है एंड आप राउंड 3 के बारे में सोच रहे हो कि यस आई विल गो एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 3 एंड चेक, मैं आपको बता दूं कि राउंड 2 में आपके पास बैकअप था. यानी कि कोई कॉलेज अगर राउंड 2 में अलॉट नहीं होता था तो आपको राउंड 1 वाला कॉलेज री अलॉट हो चुका है. नाउ इन राउंड 3 देयर विल बी नो सच सिक्योरिटी और नो सच बैकअप. यू विल हैव टू चूज दैट के आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है. बिकॉज इफ यू गो विद द रिस्क यू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड एंड अगर आपको उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो वो मिल जाता है एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है. सो इन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग अ बेटर कॉलेज यू माइट नॉट गेट एनी कॉलेज, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी. ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली ऐसा सोच के चले जाओ कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा. आपको शायद से अच्छी कॉलेज की जो एक्सपेक्टेशन है आप उसमें जा रहे हो राउंड 3 में, बट अगर उसमें सीट्स बहुत कम अवेलेबल है और या फिर कट ऑफ आपकी रेंज तक नहीं पहुंचेगा तो फिर आपको डेफिनेटली वो कॉलेज नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जो कॉलेज अभी आपको मिला है आप उसको भी लेट गो कर रहे हो और राउंड 3 में भी कोई कॉलेज नहीं मिलेगा. और राउंड 3 के बाद एक ही राउंड बचता है, वो है इंस्टीट्यूट राउंड.
which I don't prefer students to go unless and until they are not allotted with any college in any of the rounds. Okay, so please take your decision wisely in case if you are planning to go. Okay, and बाकी तो मैं आपको इतना बता दूं कि प्लीज एक चीज समझ के चलना कि अभी राउंड थ्री में अगर आपको पार्ट लेना है, बाय चांस वो राउंड वन का आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो या फिर राउंड टू में एडमिशन ले लिया हो, राउंड थ्री में पार्ट लेना है तो आपको राउंड वन या फिर राउंड टू जिस भी कॉलेज आपको मिला है और आपने वहां पे जाके एडमिशन सिक्योर किया है, ओके, वहां पे आपको एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, उसी के बाद आप राउंड थ्री में पार्ट ले सकते हो. एंड राउंड थ्री का ऑप्शन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है. राउंड थ्री का ऑप्शन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, बिकॉज आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा था वो राउंड वन और राउंड टू के लिए था. राउंड थ्री के लिए आपको फ्रेश ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. एंड जो लोग ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं करेंगे उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा राउंड थ्री के लिए. एंड जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, कॉलेज फीस पेमेंट हो चुका है, उन लोगों को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा राउंड थ्री के लिए. ठीक है, सो प्लीज टेक योर डिसीजन जुडिशियसली आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट इतनी सीट्स कम होगी या फिर कट ऑफ जो है, मैं कॉलेज जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो आप पहले उसका आप कट ऑफ चेक कर लीजिए इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट में जाके. ठीक है, अगर आपके मार्क्स और आपकी जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसमें 3 से 4 मार्क्स का भी फर्क है तो भी मैं बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10-20% चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलेगा. ठीक है, अच्छी कॉलेजेस जो है वहां पे कट ऑफ इतना डाउन नहीं गया है, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड देम दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि अच्छी कॉलेजेस में इतना कम कट ऑफ जाए सेकेंड राउंड में, बिकॉज सिंस दे हैव इंट्रोड्यूस 4 राउंड्स दिस टाइम दे हैव टू बाइफरकेट ऑल द सीट्स अकॉर्डिंगली. ओके, तो राउंड टू में कट ऑफ सिर्फ 1 या 2 मार्क्स डाउन गया है अच्छी कॉलेजेस के अंदर. सो प्लीज प्रिडिक्ट दैट वे ओनली कि नेक्स्ट राउंड में भी ऐसा हो सकता है कि राउंड थ्री में कट ऑफ डाउन जाए ही ना, सेम मार्क्स में भी कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि सेम मार्क्स में ही वो लोग सीट्स वहां पे फुल कर दे अगर वो स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई किया हो तो. ओके, सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग. प्लीज कीप दिस पॉइंट इन टू योर माइंड एंड आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.